डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन पाठ में एक महत्वपूर्ण हेडिंग की चर्चा करेंगे, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव लेंस। और बिल्कुल इसके बाद हम लोग लेंस का सूत्र भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ लेंस। आज उन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दूसरी नंबर की अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना चर्चा करेंगे। पहली केस, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। ये अवतल लेंस है, द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, और उसके बारे में वास्तविक स्थिति हमको पता नहीं होती है। यहां पर हम लोग जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस इस प्रकार से क्या कर देती है? स्कैटर कर देती है, फैला देती है। तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहां पर मिलती है? फोकस बिंदु पर मिलती है। तो पहला पॉइंट हो गया प्रतिबिंब, द्वितीय फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? द्वितीय फोकस पर बनता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदुवत होता है। कैसा होता है? बिंदुवत होता है। तीसरी बात, दर्पण के जब बिंदुवत बनता है तो उल्टा या सीधा का कोई भी अर्थ नहीं होता। उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता है। उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता। लास्ट स्थिति, यदि लेंस के सामने बनता है तो वास्तविक बनता है, और यदि लेंस के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, कहां बन रहा है? पीछे बन रहा है। अगर सामने बनता तो वास्तविक बनता। दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे, जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में हो, अर्थात लेंस से परे हो। लेंस से परे हो, इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा? इसे अनंत तो ये हो गया और लेंस ये हो गया, अब अनंत और लेंस के बीच में यहां भी ले लेंगे तो भी अनंत और लेंस के बीच में कहा जाएगा। यहां पर लोग लेंस से निश्चित दूरी पर हो, लेंस से परे हो, इसका मतलब लेंस से एक निश्चित डिस्टेंस पर हो। आप ये देखें, ये EF हो गया, EF-2, EF-, ये क्या है? वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? कोई वस्तु है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस प्रकार से आप जानते हैं स्कैटर हो जाती है। इसको
यदि पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो फोकस बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी किरण आप जानते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो सीधे अपने रास्ते पर निकल जाती है। यहाँ पर कट बिंदु मिला, यहीं पर दोनों किरणें कट कर रही हैं, ये क्या बन गया? यही प्रतिबिंब बन गया। यही क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। यही इमेज है। क्या है? इमेज है। इसमें आप पहला बिंदु देखिए, प्रतिबिंब फोकस बिंदु, प्रतिबिंब फोकस बिंदु और लेंस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु और लेंस के बीच बनता है। द्वितीय कंडीशन आप देखिए, द्वितीय बात आप देखिए, दूसरे में यहां आप द्वितीय फोकस लिख सकते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु और लेंस के बीच में बनता है। बिल्कुल, वस्तु से क्या है? छोटा है। वस्तु से छोटा है। वस्तु से कैसा है? छोटा है। आप तीसरी स्थिति देखेंगे कि ये सीधा है। कैसा है? सीधा है। और लेंस के सामने तो बन नहीं रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है। जब लेंस के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये आपने देखा, दो स्थिति होती है। अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं, लेंस का सूत्र, फार्मूला ऑफ लेंस। बिल्कुल डायरेक्ट सिर्फ सूत्र देखेंगे, बस एक बटे एम बराबर एक बटे बी माइनस एक बटे यू। जबकि दर्पण के सूत्र में यहां पर पॉजिटिव हुआ करता था, यहां पर यू नेगेटिव में होता है। जहां यह लेंस की फोकस दूरी है, बी प्रतिबिंब और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है। डी क्या है? प्रतिबिंब और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी है। यू क्या है? वस्तु और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी है। U क्या है? वस्तु और लेंस के प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी है। एक नोट पॉइंट देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। चिन्ह परिपाटी बिल्कुल हम दर्पण की तरह ही देखते हैं। यहाँ पर हम एक इस प्रकार से अक्ष मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? एक आप ये देखिए अक्ष मान लिए। अब इधर की सारी दूरी पॉजिटिव और इस तरफ की दूरी निगेटिव,
ऊपर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव लेते हैं, नीचे ऋणात्मक लेते हैं। जिस प्रकार से बिल्कुल दर्पण में लिया करते थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अगली रीडिंग आपकी लेंस की आवर्धन क्षमता होती, लेकिन जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें आपकी एक रीडिंग है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। लेंस की आवर्धन क्षमता इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ में हमने सेंड किया हुआ है, उसको आप जानकारी कर लेंगे। इस बार के 30% के सिलेबस जो सरकार द्वारा कटौती किया गया है उसमें से लेंस की आवर्धन क्षमता भी है, प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक उपयोग भी है। आप लोग क्लास में निरंतर एक्टिव बने रहे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।